हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लास 8 के साइंस की बुक। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आगे कि जैसा कि पहले वीडियो में कि वैज्ञानिक भाषा में जो भी वस्तु स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हम इसमें पानी और हवा के बारे में पढ़े थे कि पानी भी जो है वो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, भार पाया जाता है, और हवा भी जो हमारी है वो स्थान घेरती है उसमें भी भार पाया जाता है, इसलिए वो हमारा क्या है, पदार्थ है। तो हम आगे चलिए देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, नंबर एक ठोस, द्रव, गैस। यानी जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्था, ठोस, द्रव एवं गैस। पहली अवस्था देखिए आपकी दी हुई है ठोस, हेडिंग दी हुई है ठोस पदार्थों के तीन गुण होते हैं। जो ठोस पदार्थ है उसके कितने गुण होते हैं, तीन गुण होते हैं। ठोस अपने आयतन के बराबर स्थान घेरती है, यानी जो ठोस होता है उसका जो आयतन होता है यानी जितना आकार उसका होता है उतने ही आकार को क्या करता है, स्थान घेरता है। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, पत्थर के एक ठोस पदार्थ है, यानी जो पत्थर हमारा वो क्या है, ठोस पदार्थ है। इसे किसी गिलास में डालिए, आप क्या देखते हैं, क्या पत्थर ने गिलास को पूरा भर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पत्थर केवल उतना ही स्थान घेरता है जितना उसका आयतन होता है, यानी जितना उसका आकार होगा आयतन होगा वो पत्थर जो है उतना ही स्थान घेरेगा। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक पत्थर लेंगे, पत्थर क्या हमारा ठोस पदार्थ है, और फिर उस पत्थर को हम गिलास के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पूरा गिलास जो है पत्थर से भर नहीं जाएगा बल्कि पत्थर जो होगा उतना ही स्थान घेरेगा जितना उसका आयतन आकार होगा। फिर देखिए दूसरा दिया, और ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी जो ठोस है उसका आकार निश्चित होता है, यानी वो एक निश्चित आकार में होता है, जितने आकार में होता है उतना ही वो अपना स्थान घेरता है। चलिए देखते हैं, आप अपने चारों ओर लकड़ी, पत्थर, लोहा, टिन, रबड़ आदि कुछ पदार्थों को रखिए। इनमें से लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों को अब अलग अलग स्थान पर रख कर देखिए क्या होता है, उनका आकार बदल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठोस में का आकार निश्चित होता है। यानी कहा जा रहा है अगर हम लकड़ी लेते हैं, पत्थर लेते हैं, लोहा लेते हैं, टिन लेते हैं, रबड़ लेते हैं, इन सबको हम लेते हैं, उसके बाद उनमें से लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों को हम अलग अलग रख देंगे अलग अलग जगह पे, तो क्या होगा, उनके आकार में जो है परिवर्तन नहीं आएगा, उनका आकार बढ़ेगा नहीं, ना ही बदलेगा और ना ही घटेगा, क्योंकि जो ठोस होता है उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता कहीं भी आप उसे रख दें। नंबर तीन हेडिंग दीजिए, ठोस पदार्थ अपना स्थान स्वयं नहीं बदल सकते, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अपना स्थान स्वयं यानी खुद से नहीं बदल सकते हैं। आप एक लोहे के छोटे टुकड़े को मेज पर रखिए, क्या वह अपना स्थान स्वयं बदल लेता है, नहीं ऐसा नहीं होता, इसका स्थान बदलने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। यानी कहा जा रहा है कि अगर हम एक लोहे का छोटा टुकड़ा लेंगे उसे मेज पर रखेंगे तो क्या फिर वो मेज के नीचे चला जाएगा, या मेज जहां पर हम रखेंगे वो मेज से दूसरी तरफ चला जाएगा, नहीं बल्कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है, वो अपना स्थान स्वयं नहीं बदल सकते हैं बल्कि उनका स्थान बदलने के लिए हमें प्रयत्न यानी हमें उनका स्थान बदलना पड़ता है। हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुएं ठोस हैं, ठोस पदार्थ कठोर तथा मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। स्पंज, रुई, रबड़ आदि ठोस पदार्थ मुलायम होते हैं। यानी कहा जा रहा है हमारे आसपास जो है बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि ठोस होती हैं, और जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर यानी कि कड़क और मुलायम भी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लेंगे स्पंज लेंगे, रुई लेंगे, रबड़ लेंगे, ये सब क्या है हमारे, ये पदार्थ जो है ठोस पदार्थ मुलायम होते हैं। कितने क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। फिर यहाँ देखिए कुछ ठोस पदार्थ पाउडर के रूप में भी प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी, रेत, लकड़ी का बुरादा आदि। कांच को तोड़कर उसे पाउडर के रूप में बदला जा सकता है। यानी कहा जा रहा है कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पाउडर के रूप में भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि मिट्टी हुई, रेत हुई, लकड़ी का बुरादा हुआ, और जो कांच का टुकड़ा होता है उसे हम जब पीस लेंगे पाउडर बना देंगे तो वो भी क्या हमारा होगा, वो ठोस पदार्थ ही होगा। अगला देखिए द्रव्य। अब यहाँ पे आपको द्रव्य यानी जो पदार्थ की अवस्था, दूसरी अवस्था द्रव्य, उसके बारे में बताया जा रहा है। सभी तरल पदार्थ द्रव्य होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। द्रव्य निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी द्रव पदार्थ में क्या होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर एक, द्रव्य अपने आयतन के बराबर स्थान घेरते हैं, यानी जो द्रव्य होते हैं वो भी अपने आयतन के बराबर ही स्थान घेरते हैं। एक छोटा गिलास लीजिए, गिलास में ऊपर तक जल भरिए, अब उस गिलास के जल को किसी
अन्य बड़े ग्लास में पलटिए। क्या बड़ा ग्लास भी जल से ऊपर तक भर गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़ा ग्लास जल के ऊपर तक नहीं भरता। क्यों नहीं भरता है? क्योंकि देखिए, यहाँ आपको बताया गया है कि जो द्रव्य होते हैं वो भी अपने आयतन के हिसाब से ही, अपने आयतन के बराबर ही स्थान को घेरते हैं। इसीलिए हम जितना उसमें द्रव्य, यानी जो इतना हम उसमें जल डालेंगे, उतना ही वो स्थान घेरेगा। अगर हम छोटे ग्लास में पानी भर रहे, वो ग्लास भर जा रहा है, तो अगर हम उसे बड़े ग्लास में पलट रहे हैं तो क्या होगा? बड़ा ग्लास जो होगा वो भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि वो द्रव्य जो पदार्थ है वो अपने आयतन के बराबर ही स्थान को घेरता है। दूसरा देखिए, द्रव्य का अपना कोई आकार नहीं होता, जो द्रव्य होता है उसका कोई आकार नहीं होता। थोड़ा जल लेकर उसे गिलास, सुराही, कटोरी तथा तश्तरी में डालिए। आप देखेंगे प्रत्येक बर्तन में जल उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, कर लिया है। यानी कहा जा रहा है कि ठोस का द्रव जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव्य है उसका आकार निश्चित नहीं होता। वो हम अगर द्रव, यानी अगर हम पानी ले रहे, उसे ग्लास में डाल रहे, सुराही में डाल रहे, तश्तरी में डाल रहे हैं या किसी और चीज में डाले, तो जिस चीज में हम डालेंगे वो उसी आकार में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, और यहाँ पे देखिए डाला, देखिए गिलास में डाला हुआ है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे तश्तरी में डाला हुआ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फैला हुआ दिखाई दे रहा है ना। अतः जल का कोई आकार नहीं होता। जल को जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो जल होता है उसका कोई आकार नहीं होता, बल्कि हम उसे जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन में परिवर्तन हो जाएगा, उसी बर्तन के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, सभी द्रव्य पदार्थ बहते हैं। यानी जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? बहते हैं। एक मेज पर एक लोहे का टुकड़ा रखिए तथा एक और थोड़ा जल गिराइए। आप देखेंगे कि लोहे का टुकड़ा जहाँ रखा था वहीं है, परंतु जल बहना आरंभ कर देता है। यानी कहा जा रहा है कि अगर हम एक मेज का टुकड़ा, एक मेज पर लोहे के एक टुकड़े को रखते हैं, लोहे का टुकड़ा क्या है? वो ठोस है ना, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था है। तो अगर हम उसे रख रहे हैं तो क्या होगा? वो अपने जगह से परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपनी जगह से हटेगा नहीं। लेकिन अगर हम वही जल को, यानी पानी को रख रहे हैं, तो जल क्या है? पदार्थ की द्रव्य अवस्था है। तो अगर हम जल को रखें तो जल क्या होगा? बहना शुरू हो जाएगा। हमारे आस, देखिए अभी आप अगली हेडिंग आपको दी हुई गैस। हमारे आसपास बहने वाली वायु गैसों का एक समूह है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे आसपास जो वायु गैसों का एक समूह, जो वायु बहती है वो क्या है? वो गैसों का एक समूह है, और हम वायु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वास्तव में वायु में विभिन्न गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि मिली होती है। यानी कहा जा रहा है वायु में जो है विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें क्या होती है? वायु में मिली हुई होती हैं। गैस एक पदार्थ है। हम जानते हैं कि पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें भार होता है। यानी गैस क्या है हमारा? वो हमारा एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि जो पदार्थ होते हैं वो स्थान को घेरता है, उसमें भार पाया जाता है। हम ऐसे पहले वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे ना, जो वायु होती है उसके अंदर भार होता है और वो स्थान को घेरती है। इसलिए वायु हमारा क्या हुआ? वो हमारा पदार्थ हुआ। उसी तरह यहाँ भी कहा जा रहा है, जो वायु होती है उसमें गैस मिली होती है, तो गैस भी हमारा क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि उसमें भी वो भी स्थान घेरता है और उसमें भी भार होता है। गैस में निम्नलिखित गुण होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गैस के गुण बताए जा रहे हैं। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का एक बड़ा सा गुब्बारा लीजिए। गुब्बारे के अंदर भरी गैस में गंध होती है। किसी कमरे को बंद करके उस गुब्बारे को सुई की सहायता से फोड़ दीजिए। आप महसूस करें कि थोड़ी देर बाद गैस की गंध पूरे कमरे में फैल गई है। यानी कहा जा रहा है कि गैस जो है, गैस का एक बड़ा सा गुब्बारा लीजिए, जो गैस का गुब्बारा आता है आप उसे ले लीजिए, उसके अंदर क्या होती है? भरी गैस के अंदर जो होती है गंध होती है। जो गैस उसके अंदर भरी होती है उसके अंदर गंध होती है। अगर हम किसी कमरे को बंद कर देते हैं, उसके बाद उस गुब्बारे को जो है उस कमरे में फोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा? जो उसके अंदर की गंध होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। और जो गैस का आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें जितना डालेंगे वो उतना ही होगा। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुब्बारे के भीतर बंद गैस अब कमरे में के भीतर भी सभी जगह फैल गई है। यानी कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जो गुब्बारे के अंदर गैस होती है वो क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। देखिए गुब्बारा तो छोटा सा होगा, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो अगर हम निकालते हैं तो क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो गैस है उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। नंबर दो, गैस का अपना कोई आकार नहीं होता, और गैस का भी क्या है, कोई आकार नहीं होता। तीन या चार विभिन्न प्रकार के गुब्बारे लीजिए, प्रत्येक गुब्बारे में हवा भरिए, आप देखेंगे कि प्रत्येक गुब्बारे में हवा गुब्बारे का आकार ही ग्रहण कर लेती है। यानी कहा जा रहा है गैस का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। हम तीन या चार प्रकार के यानी शेप के आकार के गुब्बारे लेंगे और उसमें क्या करेंगे, प्रत्येक गुब्बारे में हवा भर देंगे तो वो गुब्बारा जिस आकार का होगा उसी आकार में जो है वो फूल जाएगा, यानी उसमें हवा जो है गैस जो है भर जाएगी और वो वही आकार ले लेगा। अतः गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है, गैस जिस पात्र में डाली जाती है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। यानी हम गैस को जिस चीज में डालेंगे वो जिस आकार में होगी उसी आकार को गैस जो है वो ग्रहण कर लेगी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको जो बचा हुआ चैप्टर है वो रीड कराया जाएगा, तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए।